Hello friends, I am Sneha Walia from class 9th and today in this video we will discuss the exercise 1.5 of maths question number 1. So without wasting time let's start. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। तो हमें क्लासिफाई करने के लिए रैशनल और इरैशनल की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होता है? तो जो नंबर p बाय q की फॉर्म में होते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। सो व्हाट इज इरैशनल नंबर? जो नंबर p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे हम इरैशनल नंबर कहते हैं। तो अब हमें रैशनल और इरैशनल नंबर की क्या होते हैं वो उनकी डेफिनेशन पता चल गई है। तो अब हम फाइंड कैसे अच्छे से कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। तो हमारे पास ये नंबर्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2-√5। ये इरेशनल है बिकॉज ये p by q की फॉर्म में नहीं है और हमने इरेशनल में पढ़ा था कि जो नंबर p by q की फॉर्म में नहीं होते वो हमेशा इरेशनल होते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3+√23-√23। इट इज रैशनल बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 2√7/7√7। तो यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या 2/7। तो ये रैशनल होगा बिकॉज ये p by q की फॉर्म में बन रहा है 2/7। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। तो यहाँ पे 1 रैशनल है और √2 जो है इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल जहाँ पे मिल जाते हैं तो वहाँ पे इरेशनल ही होता है। तो 1/√2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 2π। ये भी फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, 2 है रैशनल और पाई है इरेशनल। तो ये इरेशनल होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।